कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत होने का दावा किया है और मजबूती से हर लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया है। गुलाम अहमद मीर से बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। भारत जोड़ो नया यात्रा को लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी रांची पहुंच चुके हैं, आज उन्होंने बैठक की है। सर, महत्वपूर्ण यात्रा है, झारखंड में 8 दिन राहुल गांधी रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां? एकदम तैयारी है, झारखंड का आवाम और झारखंड का हमारा कांग्रेस का कैडर सारे लोग मतलब इसमें पूरी तैयारी से लगे हैं और हमें उम्मीद है कि अभी तक जितने रियासतों में से वो गुजार के आए उसमें से जब झारखंड आएंगे, झारखंड वासी बहुत अच्छा प्यार के साथ में इस यात्रा को पास करें। झारखंड की जनता भी ये जानना चाहती है कि राहुल जब झारखंड में होंगे राहुल गांधी तो क्या बड़े रैलीज को भी संबोधित करेंगे, समाज के अन्य लोगों से भी मिलेंगे? वो तो समाज के डिफरेंट सेक्शन से मिलते हैं, युवाओं को प्रायोरिटी देते हैं, संस्थाओं को प्रायोरिटी देते हैं और पूरा दिन भर जो भी उनका कार्यक्रम होता है उसमें वो बाहर आवाम से भी मिलते हैं और जो सिलेक्टिव यहाँ के न्यूज़ मेकर्स है या फार्मर्स है, एनजीओज है, जो अच्छा काम करते हैं, जिनके जो भी इश्यूज है उनके साथ वक्तन फवक्तन उसमें इंटरेक्शन भी करते हैं, वो झारखंड में भी हो। और जो चीज़ें झारखंड में हो रही है आप भी मुख्यमंत्री से मिल कर रहे हैं, क्या लगता है? पहले भी आपने आशंका जताई थी कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर ईडी आती है, कल फिर से सीएम? पॉलिसी तो वही है, मगर झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन है बहुत मजबूत है और हर स्थिति में निपटने के लिए, हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपस में मिलजुल के बहुत ही अच्छे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से मतलब ये लोग काम कर रहे हैं। ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, जिन्होंने कहा कि जो भी परिस्थिति झारखंड में बन रही है उसको मजबूती से गठबंधन उसका सामना करेगा और राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद झारखंड में भी कांग्रेस काफी मजबूत होगी। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।